हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC का। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपका जो फॉर्म होता है वो मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक फॉर्म को आपको कैसे करेक्शन करना है, कैसे एडिट करना है, संशोधन कैसे करना है, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो कैसे फॉर्म को करेक्शन करेंगे, अगर आप फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो फॉर्म को कैसे करेक्शन करेंगे, मतलब कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। पूरा जो भी यहाँ पे करेक्शन या एडिट से रिलेटेड जितने भी जानकारी होते हैं, पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करोगे, और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहां से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के लिए क्या आपको करना है, यहां पे यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होगा वो आप यहां पे फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड होता है, इसमें फिलअप करके सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली यहां पे लॉगिन कर लेता हूं। इसके बाद आगे का प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे यहां पे करेक्शन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो डैशबोर्ड होता है इसमें यहाँ पे जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपने जो भी रजिस्ट्रेशन जानकारी फिल किया है वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अप्लीकेशन फॉर्म। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं किए हैं वो कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल सबमिट कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, उन कैंडिडेट को यहां पे देखने को मिल जाएगा कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म किन किन कैंडिडेट को करना है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका जो नाम होता है वो मिस्टेक हो गया है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मतलब कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन जानकारी फिल किया है उन जानकारी में अगर आपने यहां पे मिस्टेक कर दिया है तो आपको क्या करना है, यहां पे फीस को पेमेंट करना है, और आपको क्या करना है फिर यहां पे कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। सबसे पहले मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको फॉर्म को कैसे कैंसिल करना है, कैसे आपको न्यू से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, इसको मैं सिंपल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। 13 और जो 14 नंबर वाला जो पेज होता है इसमें आपको क्या करना है, आ जाना है। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी और सी इसको रीड करना है अच्छे से। इसके बाद आपको यहाँ पे नोट में आपको क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि आपको फॉर्म को कैसे करेक्शन या एडिट करना है। तो सबसे पहले इसको मैं रीड करके आपको दिखा देता हूं, इसके बाद मैं आपको करेक्शन करके बताऊंगा या आपको कैसे करेक्शन करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यहां पे नोट होता है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहां पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर ली है, मतलब पूर्ण कर लिया है आपने, आवेदन जो प्रक्रिया होता है या आवेदन फॉर्म होता है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आपको किसी प्रकार को यहाँ पे आपका त्रुटि, मतलब आपको त्रुटि यहाँ पे अगर प्राप्त होता है या अगर आपको किसी प्रकार का त्रुटि अगर आपको पाया जाता है आपका फॉर्म में, आपने आपको मतलब पता चल रहा है कि आपका जो फॉर्म होता है वो मिस्टेक हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेदन को क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल करना है। अब कैंसिल का जो ऑप्शन होता है किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे शो हो रहा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फीस को पेमेंट कर दिए हैं, फाइनल सबमिट कर दिए हैं, वही कैंडिडेट को यहाँ पे कैंसिल का जो ऑप्शन होता है वो आपका शो हो रहा होगा। अब आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, और आपको क्या करना है, उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल से क्या करना है, आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको दूसरा या नया रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, और आपको फिर से क्या करना है, शुल्क भुगतान करना है, और आपको फिर से क्या करना है, फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में यह भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो फीस होता है वो आपका रिफंड नहीं किया गया जाएगा, मतलब जो आपने फीस फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने जो भी फीस यहाँ पे पेमेंट किया है उस फीस को क्या किया जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा। आपको न्यू फॉर्म अप्लाई करना होगा, न्यू फीस आपको यहाँ पे नया से फिर से आपको क्या करना होगा, फीस को आपको पेमेंट करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रहा हूँ आपको फॉर्म को कैसे करेक्शन करना है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जानकारी मिस्टेक हो गया है उन कैंडिडेट को क्या करना है, यहाँ पे जाना है
एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फ़ीस वगैरह यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल से अगर दूसरा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं बिना मतलब फ़ीस पेमेंट किए, तो वैसे भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पर आपका इन जानकारी में अगर मिस्टेक नहीं हुआ है, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, अगर इन जानकारी में अगर मिस्टेक नहीं हुआ है, तभी आप क्या कर सकते हैं, न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हो न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल से। पर अगर आपका जानकारी मिस्टेक हुआ है, जैसे आपका पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन जानकारी में अगर मिस्टेक हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फ़ीस को पेमेंट करना होगा। और इस फीस को आपको क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, मतलब कि इस फीस को आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, फीस को पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, न्यू फॉर्म अप्लाई करना होगा उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल से। तो इस प्रकार जानकारी है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फीस को पेमेंट कर दिए हैं और उनका ये जानकारी मिस्टेक हुआ है, उनको तो सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर के स्क्रॉल कर लेना है। ऊपर के स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाला जो लिंक होता है, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी जानकारी होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका हो गया कैंडिडेट का नाम हो गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी जानकारी होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है फिर से। और आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे फीस को पेमेंट करना है और आपको फिर से यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्म को। तो इस प्रकार अपना जो फॉर्म होता है करेक्शन या एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कि संशोधन करने का दूसरा उपाय क्या है। यही एक आपका लास्ट उपाय है। इसके अलावा आप फॉर्म को किसी प्रकार यहाँ पे करेक्शन या एडिट नहीं कर पाओगे। इसका भी यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो फॉर्म होता है इसी डेट में करेक्शन होगा, मतलब कि आपका 15/6/2023 से आपका 12/7/2023 इसी, मतलब आप जब फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने का जो डेट है इसी डेट में आपको क्या करना है, फॉर्म को यहाँ पे सुधार या एडिट या करेक्शन मतलब कर लेना है। और कैसे करेक्शन करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपका जो फीस होता है उसको आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको कैंसिल करना है फॉर्म को, कैंसिल करने के बाद आपको फिर से फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन जानकारी आपका मिस्टेक हुआ है, तो आपको क्या करना है, फ़ीस आपको पेमेंट करना है। अगर आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन जानकारी में मिस्टेक हुआ है, तो आपको क्या करना है, न्यू मोबाइल नंबर लेना है और न्यू आपका ईमेल और न्यू मोबाइल नंबर से क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन जानकारी में अगर मिस्टेक अगर नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, न्यू फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ेगा। मतलब कि आपका जो डाटा होता है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट डाटा होता है तो आप वो आपका यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट करने के बाद ही आपको फॉर्म को कैंसिल करने का जो ऑप्शन होता है वो दिया जाता है। तो ये इस वेबसाइट का सबसे ख़राब बात है कि फ़ीस को पेमेंट करेंगे तभी आपका जो फॉर्म होता है यहाँ पे कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन होता है वो आता है। तो इस प्रकार जानकारी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे।